नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एमबी स्पीक्स। दोस्तों, मैं एक बड़ी खबर के साथ हूं आपके साथ। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन और बढ़ा दिया है। जाहिर सी बात है, कोरोना के कारण देश में हाहाकार मचा हुआ है और इसी बीच ऑक्सीजन की भी बड़ी कमी पाई जा रही है। देश की राजधानी में शनिवार को 22,695 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए और अच्छी बात यह है कि 23,572 लोग ठीक होकर के अपने घर भी गए और 397 लोगों की मौत हुई। हालात को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन को और बढ़ा दिया है और मोदी सरकार ने देश भर में 551 ऑक्सीजन प्लांट लगाने की भी बात कही है। केजरीवाल सरकार ने एक बार फिर ऑक्सीजन की कमी का मामला भी उठाया है। उन्होंने कहा कि हमें केंद्र की तरफ से 490 मीट्रिक टन ऑक्सीजन अलॉट की गई है। ये अलॉटमेंट भी हमारे पास अभी तक पहुंचा नहीं है और हमारी रोज की जरूरत जो है वो 700 मीट्रिक टन की है। वहीं देश में बढ़ती मेडिकल ऑक्सीजन की मांग को देखते हुए केंद्र की मोदी सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत देश भर में 551 ऑक्सीजन प्लांट लगेंगे। इनका निर्माण पीएम केयर फंड की ओर से किया जाएगा, उस पैसे से किया जाएगा और सरकारी अस्पतालों में किया जाएगा। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से ये कहा भी गया है कि अस्पतालों में ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ाने के लिए पीएम केयर फंड ने सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं को फायदा देने के लिए 591 डेडिकेटेड प्रेशर स्विंग एडसॉर्प्शन मेडिकल ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट लगाने के लिए इस फंड को मंजूर किया है, आवंटित कर दिया है। इधर केजरीवाल ने कहा कि एक हफ्ते का लॉकडाउन हमने लगाया था जो कल सुबह खत्म होने जा रहा था और ये आखिरी हथियार है कोरोना के खिलाफ लड़ने के लिए, लेकिन अभी संक्रमण कम नहीं हो रहा है। हमने सभी से बात की है, ये उनका कहना है, हमने सभी से बात की है, लेकिन सभी का ये कहना है कि लॉकडाउन लगाना चाहिए, लॉकडाउन ही एकमात्र इसका उपाय है। लॉकडाउन के दौरान संक्रमण दर 36 से 37% तक पहुंच गई और 1-2 दिन में इसे में और कमी आई है और आगे भी और कमी आने की उम्मीद है। उन्होंने ये भी कहा कि हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि कोरोना से हमें मुक्ति मिले। पिछले कुछ दिनों से ऑक्सीजन की काफी कमी महसूस की जा रही है, कमी है इसकी। हमारी जरूरत 700 टन की है और केंद्र ने हमें उतना ऑक्सीजन नहीं दिया है और ये जो रिक्वायरमेंट है लगातार बढ़ती जा रही है। दोस्तों, पूरे देश में कोरोना को लेकर के हाहाकार मचा हुआ है सब, और कोरोना के जो पॉजिटिव केसेस है वो बढ़ रहे हैं और देश भर में ऑक्सीजन को लेकर के भी काफी मारामारी मच रही है। जो जीवनदायिनी दवाएं हैं उनकी भी ब्लैक मार्केटिंग की खबरें आ रही हैं। इन सब पे दिल्ली हाई कोर्ट भी ये कह चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि अगर कहीं हमें ऑक्सीजन या जीवनदायिनी दवाओं की कालाबाजारी की खबर मिलेगी तो हम उसे फांसी पे चढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी कोरोना से जुड़ी हुई खबर। चूंकि हम सब कोरोना काल से गुजर रहे हैं, हम सबको कोरोना काल में कोरोना के प्रोटोकॉल को फॉलो करना चाहिए। केवल हम यही ना सोचें कि सरकार हमें ऑक्सीजन दे, सरकार हमें मेडिसिन ना दे, सरकार हमें सुविधाएं ना दे। एज ए नागरिक भी हमारा भी कुछ फर्ज बनता है कि हम उसको सहयोग करें, सपोर्ट करें। घर में रह करके जब जरूरी हो तभी घर से बाहर जाएं और जो कोरोना का एक प्रोटोकॉल है उसको हम जरूर फॉलो करें। दोस्तों, अगर मुझे ये कहना पड़े कि हम अपनी सुरक्षा खुद करें तो शायद इसमें कोई मुझे बुरी बात नहीं लग रही है। हमको अपनी सुरक्षा खुद करनी ही है, सरकार को जो करना है वो कर रही है, लेकिन एज ए नागरिक हमको भी तो कुछ करना चाहिए। वो यही है कि हम कोरोना के प्रोटोकॉल को फॉलो करें। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया है तो आप मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इस पे अपनी राय जरूर दीजिए और
अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।